इंटोस्पेसिफिक इंट्रैक्शन द कैमोफलेज फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ कैमोफलेज दैन क्रिप्टिक कलरेशन एंड द काउंटर शेडिंग सो फर्स्ट था कैमोफलेजेंट्स कैमोफ्लैज अगर हम देखें तो नॉर्मली भी ये स्पेशली जो मिलिट्री के रेफरेंस से अगर हम आर्मी के रेफरेंस से या जंगों के रेफरेंस यूज करें पीट हम बहुत ज़्यादा यूज होता है कैमोफ्लैज कारण अगर आप नॉर्मली देखें तो स्पेशली जो कमांडोज होते हैं तो अगर हम उसको जब स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो हम देखते हैं उन्हें अपने मुंह के ऊपर मर् और इस से मट्टी वगैरह लग गई होती है इवन अगर हम आर्मी को गाड़ियाँ मूव करती हुई देखते हैं हम देखते हैं उसके ऊपर नेट लगा होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह अगर हम देखते हैं तो इस तरह से आर्मी जो जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो लोग फाइट कर रहे होते हैं जंग कर रहे होते हैं अगर हम उसकी वर्दी उनका ड्रेस देखें तो वो भी इस तरह से होता है कि वो बिल्कुल जो है वो अनडिटेक्टेड होता है नेचुरल इन्वामेंट के अंदर तो कैमोफेज बेसिकली कैसा फिनोमिना है जिसमें वन एनिमल जो है वो अपने आप को क्या करेगा कि उसके जो है वो ऐसा कलर पैटर्न उसके अपने आप को ऑप्ट करेगा कि वो सराउंडिंग्स के साथ उसको जो है मिक्सअप हो जाएगा तो इज अ फिनला इन विच वन एनिमल द एनिमल गेट्स द कलर पैटर्न इन सच अ वे दैट इट इंटरमिंग मिंगल्स विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट कि वह अपने आप को इस तरह से अपना कलर पैटर्न करता है कि वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ क्या आ जाता है वो इंटरमिंगल कर जाता है मिक्सअप हो जाता है कैमोफ्रेज़ इज ऑफ टू मेजर टाइप्स इसके दो मेजर टाइप्स हमारे पास वन इज द क्रिप्टिक कलरेशन एंड अदर वन इज द काउंटर शेडिंग पहला हमारे क्रिप्टिक कलोरेशन एंड सेकंड काउंटर शेडिंग है सो क्रिप्टिक कलरेशन इज द मेजर टाइप ऑफ कैमोफ्लैज मेजर टाइप जो कैमोफ्लैज की दैट इज द क्रिप्टिक कलोरेश कलोरेशन द एनिमल टेक्स अ कलर पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग एनवायरमेंट जो सराउंड एनवायरमेंट का जो एनिमल क्या करेगा उसको कलर पैटर्न ऑप्ट कर लेगा

जिसको हम क्या कहते हैं कुतुब शुमाली का जो एरिया के जो करीब का एरिया ही ये नॉर्थन हेमिसफेयर के करीब जो हो जिसमें रशिया या फिर हम कह सकते हैं कि यूरोप की जो नॉर्थ साइड आ जाती है ये वो एरिया जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्नोफॉल रहती है नाइन मंथ्स तक तकरीबन स्नोफॉल है उसके बाद थ्री मंथ्स तक हमारे पास जो वो स्प्रिंग सीजन है सो आर्कटिक रीजन के अंदर आर्कटिक हेयर पाया जाता है खरगोश की स्पेसिफिक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं आर्कटिक हेयर है ड्यूरिंग विंटर वेन विद एवरी वे स्नोफॉल द आर्कटिक हेयर हैव वाइट फर जब इनकी स्नो फॉल होगी तो आर्कटिक हेयर जो है उसकी फर जो है वो क्या होगी व्हाइट इन कलर होगी ताकि ये केमोफलाइज है कि वाइट कलर चूँकि स्नो के साथ मिक्सअप हो जाएगा तो प्रिडेट्रिक जो है उसको आसानी से उसको जो है विजिबल नहीं होगा सो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन अब स्प्रिंग सीजन में वेन स्नो मेल्ट जब स्नो मेल्ट करेगी नीचे से जब वेजिटेशन आ जाएगी जब वो सॉयल सामने आ जाएगी तो इन दिस सीजन द कलर ऑफ हे, टर्न ब्राउन अब वाइट कलर जो है वो किस कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन में हो जाएगा क्योंकि अगर व्हाइट कलर रहेगा फिर तो प्रीडेटर को वो दूर से नजर आ जाएगा तो ब्राउन कलर क्या करेगा उसका कैमोफ्लेज तो इस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दैमोफ्लेज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट हेयर इन डायग्राम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेम आर्कटिक हेयर है वेन इट इज प्रेजेंट इन विंटर जब ये विंटर के अंदर मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वो जो उसकी फर है वो व्हाइट इन कलर है ये वाइट कलर बेसिकली स्नो के साथ जब वो इंटरमिंगल हो रही है मिक्स हो रही है जिसकी वजह से इसको कैमोफ्लेज मिल रहा है जबकि वही स्नो जो आर्कटिक हेयर जो है जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसके ऊपर जो वाइट फर है उसको रिप्लेस करती है ब्राउन फर तो जो ब्राउन फर जो है वो बेसिकली ब्राउन फर जो होगा ये सॉयल के कलर के साथ या वेजिटेशन के साथ मिक्सअप हो जाता है डार्क कलर तो जिसकी वजह से दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द क्रिप्टिक कलरेशन या क्रिप्टिक कलरेशन की जो है या कैमोफ्लेज की एक हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है सो so, क्रिप्टिक रिलेशन में जो हमारे पास प्रिडेटर्स और प्रे हैं दे टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वन कि जो प्रे है उसका कलर जो है आमतौर अगर हम देखें जो डियर है, हैं मत और डियर्स हैं डिफरेंट टाइप्स से हिराना अगर आप देखें उनका सब का कलर जो है मट्टी के रंग जैसा होता है यानी कि ब्राउन सा होता है उसकी वजह यह है कि जो है, ये जो डियर हैं ये मोस्टली रहते हैं ग्रास लैंड्स में तो ग्रास जब यानी कि ड्राई होती हैं तो आमतौर पर ग्रास का जो कलर होता है वो तकरीबन जो है वो ब्राउन कलर होता है तो ब्राउन कलर के साथ जो है वो डेयर का कलर मिक्सअप होगा तो उसको ये कैमोफलेज प्रोवाइड करेगी तो ये क्रिप्टिक कलरेशन हमारे पास एग्जाम्पल है इस तरह जो प्रिडिक्टर्स हैं अगर आप प्रिडिक्टर्स का कलर देखें वो भी इनके एन्वायरमेंट के साथ क्या होता है सेम जैसे उसके साथ मिक्सअप हो रहा होता तो इवन अगर प्रे जो है वो कैमोफलेज कर रहा है तो जो प्रिडिक्टर है वो भी एक नेचुरली क्या कर रहा है कैमोफलेज कर रहा है एग्जाम्पल इसके हमारे पास जैसे है हियर वी हैव द एशियन टाइगर एशियन टाइगर का जो कलर है वो तुम्हारे फिर रफ या वो रफ रेड कलर जो उसका आ जाता है लेकिन उस रफ रेड के कलर के अंदर हमें जो है ब्लैक स्ट्रिप्स नजर आती हैं अब ब्लैक स्ट्रिप्स का क्या बेनिफिट है एक्चुअली जो ब्लैक स्ट्रिप्स जब आ जाती हैं तो जो एक स्मूथ कलरेशन है रेड कलर जो है वो वो इंटरप्ट होता है और नेचर के अंदर उसको एक कैमोफ्राइज मिलता है फिर तो इसलिए जब वो किसी जगह जो है वो स्टाकिंग कर रहा है स्टाकिंग का मतलब क्या स्टार्किंग मीन्स कि वो एक छुप कर अपने प्रे के ऊपर जब उसने अटैक करना है तो इस केस में फिर क्या होगा कि जब वो एक जगह बैठा हुआ है वेट कर रहा अपने अपने प्रे का तो वो कैमोफ्लेज की वजह से क्या होगा अपने प्रे को जो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको प्रे होगा कैमोफ्लेज की जो सेकेंड एग्जाम्पल मार दैट इज अ काउंटर शेडिंग काउंटर शेडिंग ये एनिमल्स के अंदर तो हमें इतनी नहीं मिलती लेकिन ज्यादातर इसका तलक जो है हमारे पास दैट इज अ विद रेलिवेंट टू द एग्स ऑफ द एम्फीबियंस स्पेशली द एग्स ऑफ द फ्रॉग एंड एग ऑफ द दोर्स हैं अगर हम फ्रॉक और टोट के एग्स को ऑब्जर्व करें तो उससे हमें दो तरह के कलर नजर आते हैं जो फ्रॉग के एग का जो टॉप साइड है वो डार्क कलर की होती है जबकि जो नीचे वाली साइड होती है वो क्या होती है दैट इज़ उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे वाली साइड जो चीज़ें लाइट इन कलर होगी अब वट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस वन अब फ्रॉग के एग्स को क्या चीज़ खाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आएंगे वो उसको एज ए फूड खाएंगे न्यूट्रिशनस फूड होगा उनके लिए ठीक है प्रोटीन रिच फूड है ये उनके लिए इससे नीचे जो फिश हैं ये उनके लिए एक रिच फूड है एनर्जी रिच फूड है आप इसका दल के नीचे से फिश से भी बचाना है और ऊपर से डिफरेंट बर्ड से प्रीडेटर से भी बचा कर रखना है आप फ्रॉग्स के एग कहाँ होते हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं फ्रॉग का जो टॉप है डार्क कलर का जब ऊपर से बर्ड्स देखेगा तो एग का डार्क कलर जो वाटर बॉडी का डार्क कलर उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा जो एग जो है वो विजिबल नहीं होगा इससे अगर कोई फिश नीचे से एग्स के ऊपर देखने की कोशिश करती है तो फिर क्या रिजल्ट होगा उसका जैसे वो नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे एग का कलर नीचे से लाइट है और ऊपर जो स्काई है वो भी लाइट कलर का है इसलिए जब वो नीचे से देखेगी ऊपर की तरफ तो एग का लाइट कलर और वाटर सर्वस और एयर का जो लाइट कलर है वो क्या करेगा वो मिक्सअप हो जाएगा ना नीचे से फिश को नजर आएगा लाइट कलर की वजह से एग और ना ही ऊपर से बर्ड्स को जो है वो डार्क कलर की वजह से नजर आ जाएगा दिस इज द अदर एग्जाम्पल ऑफ द कैमोफ्लैज तो ये भी एक कैमोफ्लैज है कि किस तरह से जो है वो फ्रीडेटर से बचना है